जी रिकॉर्डिंग भी ऑन हो रही है और स्क्रीन भी शेयर हो गई है। आई होप सो दैट आप सब लोगों को नज़र आ रहा होगा। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। जी खजर साहब, दिस इज़ योर रिस्पॉन्स। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक दफ़ा दोबारा देख लिया जाए। क्वेश्चन ये था, ये एकेडमिक के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, सीधे नहीं होते। जो जीटी के है ना, वो आसान होते हैं कंपैरेटिवली। सम पीपल थिंक दैट रोल ऑफ पेरेंट्स इज टू डिसिप्लिन देयर चिल्ड्रन एंड टीच देम। बच्चों को डिसिप्लिन करना माँ बाप का रोल है, उनका जो काम है। एंड टीच देम अबाउट राइट एंड रॉन्ग, राइट और रॉन्ग के बारे में उन्हें बताना कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। अदर पीपल कंसिडर दैट मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स इज टू नर्चर देयर, नर्चर कहते हैं रेज करना। एक होता है नेचर, एक होता है नर्चर। आपका जो एनवायरनमेंट, आपकी सोसाइटी है, वो जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है जो किसी बंदे को बढ़ने में मदद देता है, यानी जहाँ जिससे हम सीखते हैं, वो नर्चर करना उन्हें, देयर चिल्ड्रन एंड प्रोवाइड देम विद अ सेफ एनवायरनमेंट टू ग्रो अप इन, और उन्हें एक प्रोटेक्शन देना कि जहाँ पे उनकी वो बढ़ सकें सेफ एनवायरनमेंट में। तो ऊपर वाला नीचे वाले से डिफरेंस इस तरह है कि वो कहते हैं कि राइट एंड रॉन्ग के बारे में पढ़ाना और डिसिप्लिन करना, यानी टीच करना जो ना इन अ सेंस, और टीच करने में ये दो जो चीज़ें उन्होंने बात की हैं, इसके अकॉर्डिंगली ही हम बात करेंगे आगे। आप अंडरलाइन करेंगे डिसिप्लिन के वर्ड को, आप अंडरलाइन करेंगे राइट एंड रॉन्ग को इधर से, और टाइप कौन सी, ये डिस्कशन ऐसे है। आप अंडरलाइन करेंगे कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द नर्चर देयर चिल्ड्रन। नर्चर को ज़रा देख लेते हैं दोबारा से। ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी। नर्चर का मतलब है टू केयर फॉर, किसी की केयर करना, एंड प्रोटेक्ट समबडी, और उसको प्रोटेक्ट करना वाइल दे आर ग्रोइंग एंड डेवलपिंग। किसी बंदे बच्चे को प्रोटेक्ट करना जब वो बढ़ रहा है। दीज डेलिकेट प्लांट्स नीड केयरफुल नर्चरिंग, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और जब वो बढ़ रहे हैं, केयर और प्रोटेक्ट समबडी। अच्छा, नर्चर का दूसरा मीनिंग क्या है? हेल्प समबडी, किसी की मदद करना टू डेवलप, के वो डेवलप हो एंड बी सक्सेसफुल और कामयाब हो जाए। इसका सिनोनिम है फॉस्टर, फॉस्टरिंग अ चाइल्ड। सो दिस इज व्हाट वी कैन राइट डाउन, इट्स इंपॉर्टेंट टू नर्चर अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप। ठीक है जी, यानी उसको डिसिप्लिन बनाना और उसको डेवलप होने में हेल्प करना। ठीक है जी, और चलें जी आगे चलते हैं, और ये डिस्कशन है। चलें दूसरी चीज़, जो मैंने एक आंसर लिखा था, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता दूं आपको। पेरेंटिंग इन द मॉडर्न एरा हैज़ इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट कम्प्लेक्स फिनोमिना। ये जो वर्ड है फिनोमिना, इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट है वो बताने लगा हूँ। अच्छा जी, वर्ड है फिनोमिनन, फिनोमिना भी कहते हैं इसको। प्लूरल इसका फिनोमिना है और फिनोमिनन सिंगुलर है। तो मैंने आपको बताया था वन ऑफ द बेस्ट, ये जिस तरह, तो इसलिए फिनोमिनाज नहीं आएगा, ये फिनोमिना आएगा, सिर्फ ये बताना था। तो फिनोमिना प्लूरल है और सिंगुलर फिनोमिनन है। अच्छा, ऑन द बैकड्रॉप ऑफ दिस, यानी इसी कॉन्टेक्स्ट में, ये एक सेंटेंस है जो कि जरा सीखने की कोशिश करें। वेदर और नॉट का यूजेज, वेदर और नॉट, इसमें दो बातें एक साथ हो जाती हैं, और जब हमें कंसाइज लिखना हो ना, तो फिर ये गूगल कीजिएगा कि हाउ टू यूज वेदर और नॉट, यानी कि वेदर और नॉट का एक्सप्रेशन कैसे इस्तेमाल करना। इसको वेदर द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स
इज टू इनकलकेट कॉन्शियस। अब ये कॉन्शियस जो है, जिसको कंसाइंस की तरह स्पेलिंग आपने याद रखना है, CONSCIENC, इसका मतलब है द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट और रॉन्ग। ये वो जो पूरा 2-3 वर्ड्स थे उसका एक ही वर्ड आ गया, कॉन्शियस। और टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन वाइल रेजिंग देम इज अ मूट पॉइंट। उनको सिर्फ हिफाजत उनकी करना, मूट पॉइंट ये एक एग्जामिनर ने वर्ड यूज किया था, इसका मतलब है पॉइंट ऑफ डिस्कशन। मूड पॉइंट का मतलब है पॉइंट ऑफ डिस्कशन। इन माय पर्सपेक्टिव द फॉर्मर फॉर्मर पिछला आर्गुमेंट इज मोर वैलिड इन द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। चलें, दिस इज व्हाट एक ओपिनियन है एक वो। तो अब हम आते हैं नीचे खिजर के आंसर की तरफ। इन रनिंग डेज मोर एंड मोर पीपल आर प्रैक्टिसिंग एडवांसिंग पेरेंटिंग स्किल्स। प्रैक्टिसिंग एडवांस्ड पेरेंटिंग स्किल्स फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन सम पेरेंट्स हु आर मोर कॉन्शियस रिगार्डिंग आउटकम्स। खिजर सुन रहे हैं ना आप? यस सर, मैं सुन रहा हूँ। इसको जरा देखिएगा, कॉन्शियस के साथ कौन कौन सी प्रेपोजिशंस लगती हैं। कॉन्शियस फॉर है, कॉन्शियस हाँ सर, ये ऑफ मैंने देख के लाया है। कॉन्शियस ऑफ होता है समथिंग। है। अच्छा चलें ठीक है। गाइड देयर चिल्ड्रन एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ टू इनकलकेट मैनरिज्म। एंड टीच देम हाउ टू रेसी appropriate in different circumstances while others provide very comfortable atmosphere to them throughout the life for well brought up. Let us discuss both views in the following the article in the following paragraphs and I am inclined more towards the thought of the first group. ठीक है। अच्छा खिजर, एक चीज़, आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा लिख रहे हैं सारी चीज़ें। मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस दफ़ा यू विल गेट योर डिज़ायर बैंड्स। बट द थिंग इज, ट्राई टू राइट कंसाइज एज, यानी कि ये सारी बातों को अगर आप 3.5 लाइनों में ख़त्म कर दें, बात सारी करनी है लेकिन बिल्कुल टू द पॉइंट, यानी कि टू द पॉइंट वे में यू नीड टू डेवलप योर आंसर। इसको ज़रा जहन में रखिएगा। What lies behind the idea of parental monitoring and control? In actuality, in the current era, parents face a great challenge of limiting their new generation from excessive use of social interactive websites such as ये etc. यहाँ पे कॉमा आएगा। For saving their time to focus on academics, for instance, although के बाद कॉमा ना। अच्छा ठीक है। फॉर इंस्टेंस ऑल दो स्कूल्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, ये अगर आप ये वाला काम कर रहे हैं ना, तो फिर आप ऑल दो के बाद कॉमा ना लगाएं, इसको चलने दें ऐसे। ऑल दो स्कूल्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज USA एंड UK हैव इंट्रोड्यूस्ड देयर कंप्यूटर्स। ये क्या लिख रहे हैं इस, ये थोड़ा सा एम्बिगुअस है यहां से लेकर यहां तक। स्टार्टिंग फ्रॉम प्री, एक सेकेंड में जरा पढ़ लूँ फिर वापस आता हूँ। फ्रॉम प्री स्कूल टू प्राइमरी एजुकेशन फॉर गिविंग टेक्नोलॉजी अवेयरनेस, येट कन्वर्सली। अब ये येट और कन्वर्सली ना दोनों तकरीबन चेंज कर दें, बेहतर है।
इसको रहने दें, येट का मतलब है वो अब उल्टने लगे हैं, आप एंटी स्टेटमेंट देने लगे। क्या कहना चाह रहे हैं मुझे थोड़ा सा समझाएं। सर इसके अंदर ये इस तरीके से बताना चाह रहा था कि आजकल जो करिकुलम है प्री स्कूलिंग का यूएस और यूके में, उन्होंने कंप्यूटर्स को ना इंट्रोड्यूस कर दिया है छोटी क्लासेस से ही ना। अच्छा अच्छा, अब होता ही है कि वहाँ के बच्चों के पास जब गैजेट्स वगैरह आते हैं तो वो जो करिकुलम में डिजाइन है, जो कंप्यूटर का उनको सब्जेक्ट पढ़ाना था, वो उसके बजाय बच्चे जो हैं वो ये छोटी एज से ही वहाँ ट्रेंड ज्यादा है सोशल वेबसाइट्स के ऊपर जाने का, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई जो है वो सख्त खतरे में आ रही है। ये मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसके नहीं, अंदर ये ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो उसमें फॉर्मेशन ऐसे थी जैसे आपने बनाई हुई है ये कॉलन डाल के। नो सर, ये तो मैंने काफी अरसे पहले पढ़ा था, तो ये तो मैंने खुद बनाया है, ये सही नहीं बना, कॉन्सेप्ट है बस, ये वो मैंने कहीं पढ़ा था वो तो मैंने उसको। पंक्चुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना दिस इज इनअप्रोप्रिएट, ये मीनिंगफुल नहीं लग रहा यहाँ पे ना। और दूसरी बात ये है कि इसको आगे आप रिलेट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप ये कह रहे हैं करंट ईरा में पेरेंट्स फेस ग्रेट चैलेंजेस लिमिटिंग देयर न्यू जनरेशन फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल वेबसाइट्स। अच्छा, इसका ताल्लुक क्या है, पेरेंटल कंट्रोल और मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं आप? सर सर उसके बाद आप पढ़ें जहाँ ये खत्म हो रहा है, उसके बाद मैंने उसकी वो एक्सप्लेनेशन लिख दी रिसेंटली के बाद पढ़िएगा। अच्छा, एक तो आप चीज अपने पास लिखे हैं कि आपके आर्टिकल्स वीक हैं, ए एंड द, ये दो तीन गलतियां मैंने देखी हैं, जिस तरह इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स आएगा, ठीक है ना। और नीचे भी मैंने देखा है जहाँ पे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, ये स्टेट्स है ना, तो ये द यूएसए ये आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा वर्कआउट करना है आपने इसके ऊपर। और रिसेंटली इन द यूएसए सम पेरेंट्स हैव टेकन इनिशिएटिव टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव पेरेंटल कंट्रोल टीचिंग टू आवर चिल्ड्रन। सेकेंड, इट इज सीन दैट द चिल्ड्रन हु आर मोर गाइडेंस बिकम मोर कॉन्फिडेंस इंडिपेंडेंट इन द लेटर एजेस ऑफ देयर लाइव्स, देयर फॉर काउंसलिंग ऑफ चिल्ड्रन इज इंडिस्पेंसिबल फॉर टीचिंग द राइट्स एंड रॉन्ग। ये ना पूरा पैराग्राफ थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ अपने मीनिंग को नहीं डेवलप कर पा रहा। आखिर में जो मेन चीज़ है ना उसको आपने डिस्कस किया है कि काउंसलिंग जो सी है, यानी कि अब बेसिकली यू आर ट्राइंग टू एलेबोरेट फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू ना, जो डिस्कशन के दो हिस्से हैं उसको आप। जी, कि वो सब हर एक स्टेज के ऊपर बताना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए और टीच करना चाहिए बच्चों को, ये उसके बारे में पर। अच्छा चलिए मैं बताता हूँ, इसमें जो मुझे वीक एरिया लग रहा है दैट इज योर टास्क अचीवमेंट, रिस्पॉन्स के अंदर क्लैरिटी नहीं पैदा हो रही, बाकी चीज़ें ठीक हैं, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ये वो, और एक दो जगह पंक्चुएशन का इशू है। तो इसको डिस्कस करते हैं, मैं आपको शायद लिख के दिखा दूँ एक पैराग्राफ अभी, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स के देखते हैं, अगर ना हुआ कुछ ऐसा तो फिर मैं खुद से लिखूंगा। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जरा मैं पढ़ लूँ, यानी कि फर्स्ट व्यू जो सा था वो हमने इस चीज़ पे डेवलप करना था कि उन्हें बताया जाए, डिफ्रेंशिएट सिखाया जाए कि राइट एंड रॉन्ग क्या है, अच्छाई और बुराई में तमीज़, यानी कि व्हाट लाइज बिहाइंड द आइडिया ऑफ पेरेंटल एजुकेशन रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियस। इस तरह ये इंट्रोडक्टरी लाइन होगी कि पेरेंट्स क्यों उनको सिखाएं, ये कैसे सिखाएं, ये क्या इसके पीछे है मुहर्रकात हैं जो बच्चों को बताया जाए कि ये चीज़ सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ है कि जो कि हमने इसमें डिस्कस करनी थी। अच्छा जी, ऑन द फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन, ऑन द फ्लिप साइड
of the coin, fathers provide bed of roses to their children. ये नहीं आएगा, इसको चेंज करें. Throughout the life for the better development. सर idioms यूज नहीं कर सकते हम? idiom यूज कर सकते हैं, फॉर्मल एकेडमिक idiom, लेकिन ये यहाँ पे रॉन्ग लग रहा है. बेड ऑफ रोजेज जो होता है सर वो सेव एनवायरनमेंट जो होता है वो ये इसी तरीके से सेव एनवायरनमेंट का ऑल्टरनेटिव नहीं, यही लग रहा हम कहते हैं कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. ये एक इडियोमेटिक के हार्डशिप की जगह, ये कोई बहुत कंफर्टेबल जगह नहीं है. अब प्रोविजन ऑफ बेड ऑफ रोजेस ये तो नहीं हो सकता ना. ये तो बताया जा रहा है कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, कि जिंदगी कोई फूलों की सेज नहीं है. तो फूलों की सेज सर मुहैया वो कर, मैंने ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन डिक्शनरी के ऊपर देखी थी एग्जांपल्स में इसकी बेड ऑफ रोजेस की, तो वो पॉजिटिव के अंदर भी दिया जाता है कि काफी बच्चों को दिया हुआ होता है ऐसे, उस पे पढ़ा था. कि इस तरह बेड ऑफ रोजेस प्रोवाइड करना. यस सर. ऑल पेरेंट्स वॉज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, मेकिंग मनी इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. ठीक है ना, ये देखें वो जिस भी कॉन्टेक्स्ट में देखें, रॉयल फैमिली इज अ बेड ऑफ रोजेस. ठीक है, यस सर, ये जो पॉजिटिव सेंटेंस है ना आखिरी, द लाइफ ऑफ द रॉयल फैमिली इज द बेड ऑफ रोजेस इन यूके, तो ये ऐसे पॉजिटिव सेंटेंसेस काफी जगह मिल रहे हैं मुझे, उसके इस तरीके से मैंने लिखा था. हम फिर भी मुझे उस पर डाउट है. अगर कहीं आपने कोई रेफरेंस है फर्दर जो उससे प्रोविजन से मुतल्लिक है, वो मुझे बताइएगा. ठीक है, सर ये उस पे ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन डिक्शनरी के ऊपर एग्जांपल है इसकी. ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी पता नहीं, इसमें तो शायद ना आए. यस सर इसके ऊपर ही है. हाँ सर आया था, मैंने सर्च किया था इसको ना. बेड ऑफ रोजेस अच्छा जी, ईडियम है द लाइफ टुगेदर हैज एन एग्जैक्टली बीन अ बेड ऑफ रोजेस. डाई बिकॉज यू आर ओल्ड सिक है टू गेट अप द रॉन्ग साइड और टू बैड टेम्पर्ड. अच्छा जी, इन बेड आ गया, टेक टू योर बेड वेट. कहाँ पे है? एक्स्ट्रा एग्जांपल्स सर इसी यहाँ की एग्जाम्पल तो यही थी सामने, मैंने इसको शायद उस पर कर दिया, पॉजिटिव में चेंज किया था. हाँ जी, वो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्चुअल सही नहीं है. बहरहाल आप खुद देखिएगा, अगर कुछ फिर भी मिलता तो मुझे उसका स्नैपशॉट सेंड कीजिएगा. अच्छा जी, टू देयर चिल्ड्रन थ्रू आउट द लाइफ फॉर द बेटर डेवलपमेंट हाउएवर इन रियलिटी. अब ये जो हाउएवर है ना, ये वाला, ये एज अ कंजंक्शन यूज कर रहे हैं आप, तो इससे पहले कॉमा नहीं आएगा. अब ये हावर के अंदर कॉमा कैसे आएगा, ये थोड़ा सा समझ लें. मिसाल के तौर पे एक तो ये है कि एक आपने सेंटेंस लिखा कि मैनी ऑफ अस बिलीव दैट को एजुकेशन को एजुकेशन इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, बेस्ट वे ऑफ टीचिंग. ठीक है, अब आप लगा रहे हैं हाउएवर, यहाँ पे ऐसे हाउएवर आएगा अगले सेंटेंस में, फिर कॉमा आएगा और उसके बाद फिर मैं सम अदर्स सजेस्ट हाउएवर, सम अदर्स सजेस्ट. अब ये आ गया ना. दूसरा तरीका ये है कि अगर आप सम टाइम्स लेट्स सपोज के येट, या फिर मैं कहता हूँ हिज सिस्टर
However, was, went against his पॉइंट ऑफ व्यू, समझ रही बात। अब ये एज ए इनक्लोजिंग डिटेल आगे पीछे इसके कॉमे लगे होंगे, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब ये कंजंक्शन के तौर पे आएगा तो फिर ये एक नया सेंटेंस है। ये फैन बॉयज में से भी नहीं है कि आप इससे पहले ना, ये सबॉर्डिनेट कंजंक्शन के अंदर उन उन कंजंक्शंस में से है जिससे पहले हम कॉमा लगाते हैं। तो अब इसका एक तरीका कार रह जाता है, जैसे दो सिमिलर सेंटेंसेस को लिखने के लिए आप क्या करते हैं, एक सेमी कॉलन यूज करते हैं, यानी दो सेंटेंसेस जो थेमेटिकली सेम हो। यहाँ पे सेमी कॉलन लगाऊंगा, इसको एच छोटा कर दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट फिर सेंटेंस आगे चलेगा ये ऐसे। तो ये तो एक वे आउट हो सकता है, इस तरह हावर नहीं आ सकता जैसे आपने लिखा है उसके अंदर। अच्छा, दे डेवलप देयर वीक पर्सनैलिटी टू फाइट द सोसाइटी इन द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। ऑन द फ्लिप साइड बेहतर है, यहाँ पे क्वाइन को छोड़ दें, ऑन द फ्लिप साइड के बाद कॉमा लगाएं। ये गफरान आई थिंक ही यूज्ड, वैसे तो ठीक है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, द फ्लिप साइड ऑफ द क्वाइन। ऑन द अदर साइड, कन्वर्सली का वर्ड भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ऑन द अदर हैंड का वर्ड भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एनीवेज इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये जो एक वो है आप लिख रहे हैं कि प्रोवाइड बेड ऑफ रोजेस टू देयर चिल्ड्रन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बेटर डेवलपमेंट, हाउएवर इन रियलिटी दे डेवलप देयर वीक पर्सनैलिटी। तो अब ये जो सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू है, ये उसका उसका सेंट्रल आइडिया क्या ये बनेगा जो आप बता रहे हैं आपके ख्याल से? यस सर, उसको मैंने परसीव इस तरीके से किया कि जो बहुत ज्यादा सेफ एनवायरनमेंट देते हैं तो वो डिफरेंट फिर मुश्किल सर्कमस्टेंसेस के अंदर फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, तो मैंने इस तरीके से उसको परसीव करके और फिर आगे लिखा है उसके बारे में। अगला पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि दूसरा जो ग्रुप है वो ये कहता है कि आप बच्चों को, आपका काम सिर्फ बच्चों को सेफ एनवायरनमेंट देना है और कोई काम नहीं है पेरेंट्स का। यानी कि जो प्राइमरी ड्यूटी है उनका ये है कि उनको सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। अब ये कोई आप उसके अगेंस्ट लिख रहे हैं, यस सर, मैंने उसको इस तरीके से किया था कि जो फर्स्ट पार्ट है ना उसके अंदर गाइड करना तो अच्छी चीज है, सही और बुरे की तमीज आना, बट सेफ एनवायरनमेंट में हमेशा लेके उसकी नर्चरिंग करते रहेंगे, तो वो जस्ट लाइक मैंने उसको ये लिया था कि वो जस्ट हो जाएगा पैम्परिंग करते हुए आप लेके चल रहे हैं बच्चे को, और उसके बाद डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस मुश्किल आ जाते हैं तो उसके अंदर वो नहीं रह पाता, यानी कि अच्छा चीज नहीं कर सकता। उसको इस तरीके से मैंने मीनिंग लिया था। अच्छा ये जो डिस्कशन पार्ट होता है ना क्वेश्चन का, इसमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज को डिस्कस करना होता है हमने आपने, और ज्यादा आप बेशक लंबा वो पैराग्राफ लिख लें जिसकी आप साइड ले रहे हैं, लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को भी डिस्कस करना है, डिस्कस बोथ व्यूज। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या होती है, डिस्कस बोथ व्यूज। तो एक तो तरीका कार ये है कि इक्वली दोनों को डेवलप करें, और दोनों जब कि जब आप बात करें कि दोनों के आप बताएं कि बेसिकली इसके क्या प्रोज हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, किन ग्राउंड्स पे बात ये कर रहे हैं, और दूसरी तरफ दूसरे की बात करें, तो दरमियान में जो बॉडी पैराग्राफ होंगे उसमें दोनों बातें चलेंगी, आखिर में फिर आप अपना फाइनल ओपिनियन दें कि जी इस तरीके से मेरा यही ख्याल है, मुझे पहली बात ज्यादा अच्छी लग रही है, उसकी ये रीजन है। यही बात आपने इंट्रोडक्शन में कर दी, यही बात आप कंक्लूजन में भी करेंगे, यानी आपकी थ्रू आउट द क्वेश्चन पोजिशन तो क्लियर है, लेकिन दोनों व्यूज को डिफाइन करना है। या फिर ये करें कि दो पैराग्राफ लिख दें आप उसकी फेवर में और एक छोटा पैराग्राफ लिख दें दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की फेवर में। इसका मतलब है कि आप ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं ऊपर वाले पॉइंट ऑफ व्यू में, ये भी है, लेकिन 90% डिस्कशन के अंदर चार पैराग्राफ हम लोग लिखते हैं और बॉडी के अंदर दो पैराग्राफ्स होते हैं।
In the culmination of the process, I feel at ease to be agreement with the statement that the parents should fulfill. ठीक है, ये जो मैंने बातें बताई हैं, थोड़ा सा मुझे आपकी अप्रोच के अंदर थोड़ा सा इसमें इशू आ रहा है, बाकी ग्रामर श्रामर ठीक है, ओवरऑल वर्ड्स की आपकी सिलेक्शन एक दो लफ्ज़ के अलावा ठीक है, पंक्चुएशन का एक ये यूजेज गलत है। ये अब तीसरा चौथा लेक्चर आएगा जिसमें मैं सेमी कॉलन और कॉलन और ये चीज़ें पढ़ाऊंगा आपको, तो वहाँ पे आमतौर पे जब हम एक लिस्ट देते हैं ना आगे, तो वहाँ पे हम कॉलन करते हैं या पीछे जो बात होती है उसको फर्दर डिफाइन करते हैं, तो फिर हम कॉलन इस्तेमाल करते हैं। ये दो चीज़ें होती हैं, या तो आगे लिस्ट दे रहे हैं आप सर यहाँ सचेस लिख सकते हैं फिर, स्कूल्स ऑफ सचेस या लाइक लिख दो उसमें कॉलन की जगह। कॉलन की जगह पे स्कूल्स ऑफ डेवलप कंट्री। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉमा डालें यहाँ पे, उसके बाद सच एज यूके। लेकिन ये कि जो जब आप कॉमा डालेंगे पहले, तो फिर आपको एज एडिशनल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा इसको। यस सर। चलें जी, मैं जरा दूसरा आंसर देखता हूँ। और कौन सा स्टूडेंट है यहाँ पे? राहील है, उमेर है, मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स आ गए होंगे सारे जी। सर वालेकुम सलाम। वो फरहान आ गया जी। चलें जी, थोड़ा सा स्पीड से मैं पकड़ता हूँ, फिर मैं बीच में जहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करता जाऊँगा और हम आगे चलते हैं। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, जिसका बारी आती, मतलब जिसने पहले लिखा है उसका फर्स्ट, और एंड सो ऑन। आई विल कीप ऑन चेकिंग योर आंसर। अच्छा जी, ये गुफरान का आंसर था फर्स्ट, फिजर का चेक हो गया, गुफरान का रह गया था, इसके बाद नीचे आंसर आ गए जी। गुफरान साहब लिख रहे हैं कि सम पीपल कंसीडर दैट पेरेंट्स आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल। अब इसको चेंज करना पड़ेगा, कंसाइज लिखना पड़ेगा। इसकी डिस्कशन हुई है कल इंट्रोडक्शन की मेरी गुफरान के साथ, बहरहाल आप देख लें। हाउ टू हैव मॉरल हाई ग्राउंड, ये वाला भी जो है ना, दो कॉमन डाले में इसको चेंज करेंगे। वाइल अनदर स्कूल ऑफ थॉट थिंक्स दैट चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम एवरीवेयर एंड पेरेंट्स शुड फोकस ऑन बीइंग प्रोवाइडर, प्रोवाइडिंग देम, उसके बाद फिर वो कह रहा है प्रोवाइडिंग देम गुड। ये भी थोड़ा सा वीक है मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरिया। इन दिस एसे आई शेल डिस्कस बोथ स्कूल ऑफ थॉट्स एंड सपोर्ट द लेटर। लेटर के स्पेलिंग जो हैं वो चेक करने वाले हैं, वो सही नहीं है। आइडियोलॉजी, इंट्रो द ह्यूमन डू नॉट बॉर्न विद नेचुरल स्किल्स येट दे लर्न। फ्रॉम देयर एल्डर्स बिकॉज ऑफ दिस इट इज द कस्टम सिंस द एडवेंट ऑफ द मैनकाइंड दैट दा नहीं आएगा, सिंस द एडवेंट ऑफ मैनकाइंड कॉमा दैट द एल्डर्स टीच द सर्वाइवल स्किल्स टू देयर यंगस्टर्स, फॉर इंस्टेंस बाय बर्थ डक्स, डक्स का डी छोटा आएगा, नो हाउ टू स्विम एंड वट इज देयर फूड एंड वेयर इज देयर फूड, ये चले वट इज देयर फूड। हाउएवर ह्यूमंस ऑफ स्प्रिंग आर नीदर अवेयर ऑफ दीज फैक्टर्स, नॉर नॉर से पहले भी कॉमा आएगा, फैन बॉयज में शेयर नॉर, दे नो हाउ टू बिलीव इन सर्टन सिचुएशंस विदाउट एक्सपीरियंस। सो इधर एन इन्फेंट, इन्फेंट का वर्ड ना यूज करें, आप भी सोच लें। इन्फेंट वैसे मैं बता देता हूँ, जो शीरखार बच्चे होते हैं ना, दूध पीते बच्चे, वो इन्फेंट होते हैं। अगर तो उस कॉन्टेक्स्ट में है तो ठीक है। चिल्ड्रन का सिनोनिम ना तो टॉडलर है और ना ही इन्फेंट है। बाज लोग चिल्ड्रन को रिपीट नहीं करना चाहते। एक लेक्चर अब आएगा, माइट बी, मैं अभी वादा नहीं करता क्योंकि पिछले 2-3 हफ्ते से मैं कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ, सैटरडे संडेज ऑन है, लेकिन शायद हमें सैटरडे ऑन करना पड़े। तो एक लेक्चर होगा नॉमिनलाइजेशन, नॉमिनलाइजेशन, उसके ऊपर वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो उसमें बताना है हमने कि किस तरह चीजों को रिपीट होने से बचना है और किस तरीके से आप सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, यानी आपकी जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है उससे बाहर हो जाते हैं और जेनेरिक हो जाती है बात। ये हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। इट मियरली डिपेंड्स ऑन हाउ देयर पेरेंट्स ब्रिंग देम अप। इफ वी लुक एट द
flip side of the coin, not only parents teaching, but also multiple other factors participate in the development of a person's personality. Person's personality ki jagah in the development of personality likhe bas. For example, schools are also responsible in the development and grooming of its students, and not just schools. कह रहा है कि not only the parents teaching but also multiple factors. अब वो फ्रांस साहब ना ये यहां से ऑफ टॉपिक होना शुरू हो गए. ये जो थर्ड पैराग्राफ है ना, ये मुझे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा क्वेश्चन की जो नीश है उस साइड को. अजान हो रही है, मैं भी आपसे डिस्कस करता हूँ थोड़ी सी ब्रेक के बाद. आपको भी जो पॉइंट बताना वो ये कि आफ्टर 2-3 डेज देयर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर दैट इज अप्रोचिंग टास्क 2. वो आपने लेना है, अदरवाइज ये खराब करते जाएंगे सारे आंसर्स को. अजान हो जाए फिर बात करते हैं. जी स्टूडेंट्स, सो इन कंक्लूजन डिसिप्लिनिंग चिल्ड्रन इज क्रूशल बट वी कैन नॉट डिनाई दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ. अच्छा एक मैं बात आप लोगों को बताऊं, अपेरेंटली क्वेश्चंस लग रहे होते हैं जैसे बड़े अच्छे लिखे हुए, और अपेरेंटली स्टूडेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि जी हमारे आंसर्स या वर्डिंग्स और ये जी कॉमेशों में लगाए हुए हैं लंबे लंबे जुमले लिखे हुए, लेकिन जब आपकी असेसमेंट होती है तो ये बहुत क्रिटिकल होती है. और उसके अंदर नहीं वो छोड़ते कि कोई आपका कॉमा, कोई आपका डैश, कोई आपका सेमी कॉलन, कोई आपका वर्ड, कोई कॉलोकेशन मिस्टेक, किसी भी किस्म की जो प्रॉब्लम है उसको ओवरलुक किया जाए और आप आगे आपको जाने दें. तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपको ठीक करना है सबसे पहले. जी इंदर कौर, मैं थोड़ा भी आंसर चेक करना, वारी वारी है ना, बाकी सारे जिन लोगों ने सेंड किया सारे तो उस तो बाद थोड़ी वारी आएगी तो थोड़ा भी चेक हो जाएगा. तुसी जे इस ग्रुप दे विच नहीं किया तो मैनू पर्सनल भी सेंड, इत्थे ग्रुप दे विच भी सेंड कर दियो. सलफेजर हो गया.
अब राहिल है यहाँ पे, राहिल साहब। जी राहिल साहब अब हैं या नहीं, तो फिर रिकॉर्डिंग सुनिएगा। एनालिटिकली स्पीकिंग, वाइल रेजिंग देयर चिल्ड्रन ड्रैग्स आवर इमीडिएट अटेंशन बिकॉज ऑफ इट्स यूनिवर्सैलिटी। वाइल रेजिंग को ख़त्म करें, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू लिखें कि एनालिटिकली स्पीकिंग रेजिंग द चिल्ड्रन ड्रैग्स आवर इमीडिएट अटेंशन बिकॉज ऑफ इट्स यूनिवर्सैलिटी भी ठीक है, यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनी ऑफ अस बिलीव दैट, अब ये कॉमा नहीं आएगा भाई जी, इसको मेरे को ख़त्म करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टूवर्ड्स द चिल्ड्रन, अब ये द चिल्ड्रन क्यों लगाया आपने, टूवर्ड्स चिल्ड्रन आएगा। अब ये डिसिप्लिन का वर्ड अगर, तो कोशिश करें इसका कोई सिनोनिम है, इसी तरीके से आप राइट एंड रॉन्ग भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसका भी सिनोनिम अगर होता तो आप उसको इस्तेमाल करते। बहुत वही क्वेश्चन के स्टेटमेंट में जो वर्ड्स हैं उसको रीफ्रेज करना है आपने। इज टू प्रोटेक्ट देम, ये जो वेन से पहले कॉमा नहीं लगता आंटी अनलेस इन क्लोजिंग डिटेल हो या फिर नॉन एसेंशियल क्लॉज हो, इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे वेन से पहले कॉमा नहीं है अभी, फॉर द टाइम इतना समझ लें। अच्छा जी, बियॉन्ड एनी कैवल इट इज डिमांड ऑफ टाइम फॉर पेरेंट्स टू रेगुलेट देयर चिल्ड्रन एंड हेल्प आउट देम टू आइडेंटिफाई बिटवीन गुड और बैड। आपकी जो रियल टेस्ट स्टार्ट होता ना, वो इंट्रोडक्शन कर करके आदत पड़ जाती है, बच्चे अच्छा लिख लेते हैं। ये पैराग्राफ नंबर 2 और 3 ये होते हैं कि जिसने आपके फाइनल करने होते हैं स्कोर्स वगैरह। तो इट इज डिमांड ऑफ टाइम फॉर पेरेंट्स टू रेगुलेट देयर चिल्ड्रन एंड हेल्प आउट देम टू आइडेंटिफाई बिटवीन गुड और बैड, फॉर एग्जाम्पल इन डेवलप्ड कंट्रीज, इन डेवलप्ड कंट्रीज दे आर इन फ्रंट ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ये पूरा सेंटेंस दिस इज नॉट मीनिंगफुल, इसको आप दोबारा लिखें। ऑन द अदर साइड ऑफ द पिक्चर, यहाँ पे कॉमा आएगा, इन आवर मॉडर्न एरा, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ दैट दैट, ये इसको दोबारा से राहील करो। वी आर स्टिल लैकिंग टू टीच द अडल्ट्स, ये आर्टिकल का इशू है, दा क्यों लिख रहे हैं आप, अडल्ट्स फ्रॉम वेरी इनिशियल डे अबाउट राइट एंड रॉन्ग। टू बी ट्रू या इन ट्रूथ, मैनी पीपल बिलीव दैट कोर लाइबिलिटीज ऑफ पेरेंट्स इज डिवेलपमेंट ऑफ अडल्ट विद प्रोटेक्शन फ्रॉम सराउंडिंग्स। फ्रॉम सराउंडिंग्स लिखने की जरूरत नहीं, इज टू गिव देम प्रोटेक्शन यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पे जो मेन इशू आ रहा है राहील का, वो ये आ रहा है कि आपने ना मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस बेशक बनाए हैं, अभी कम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे ना आए। जैसे कुछ कम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिख रहे हैं उसमें कॉमो के इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहला काम आपके सिंपल टेंसेस के अंदर आपके मीनिंगफुल जो टास्क अचीवमेंट है वो डेवलप हो ना। लॉन्ग सेंटेंसेस लिखें लेकिन उसके जो डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं उसमें जो आंसर है वो आपको मीनिंगफुल होना चाहिए। इन मॉडर्न वर्ल्ड पीपल हैव नो टाइम फॉर बिल्ड द स्ट्रॉन्ग रूट्स। अब इसको मैं अगर तर्जमा करता हूँ, मौजूदा दौर में लोगों के पास कोई वक्त नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग रूट्स यानी कि मजबूत जड़ें बिल्डअप करें। दे हैव मोर एंड मोर टाइम फॉर ओनली अर्न द मनी। अब दा मनी भी नहीं आएगा, आर्टिकल लिखो अपने पास, आर्टिकल का लेक्चर दोबारा लेना है और सिंपल सेंटेंसेस जो उनसे हैं वो आपने उसको डेवलप करना है। दे हैव ओनली वन सेम एजेंडा, दे हैव ओनली वन एजेंडा, हाउ द अर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी, द अर्न मनी नहीं, हाउ टू अर्न मनी मोर एंड मोर। बस मोर एंड मोर को खत्म करें, फुल स्टॉप लगाएं। इन द फाइनल एनालिसिस डिसिप्लिन यंगस्टर्स प्लेज अ पिवोटल रोल इन, दो पैराग्राफ लिखें राहील आइंदा, और वो दो जो उनसे ना मीनिंगफुल और सही करें, तीसरा चौथा भी रहने दें जब तक मैं आपको नहीं कहता कि इससे आगे बढ़ें। फर्स्ट टू पैराग्राफ लिखें और उसके बाद हम आगे चलते हैं। जी उमेर साहब सियालकोट वाले,
एनालिटिकली स्पीकिंग फ्यू पीपल थिंक द पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गिव नो हाउ ऑफ गुड और बैड. ये देखें एक सेंटेंस आपने लिखा है, एनालिटिकली स्पीकिंग इसके बाद रहे कॉमा, ठीक है. एनालिटिकली स्पीकिंग फ्यू पीपल सम ऑफ अस एस छोटा सम ऑफ अस थिंक that parents giving awareness of good or bad is parents responsibility. ये आप ही के वर्ड थोड़े से मैंने आगे पीछे करके इसको, और ये जो पेरेंट्स है ना पेरेंट्स, अच्छा ये जरा सुन लें, PARENTS यहाँ पे लगेगा कॉमा. अगर मैं कहता हूँ ना मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि कोई भी वर्ड मैं यूज करता हूँ जैसा पेरेंट, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब है किसी एक जो माँ बाप है ना उनकी. लेकिन जब मैं प्लूरल इस्तेमाल करता हूँ ना पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एस के बाद कॉमा लगेगा इसके ऊपर एस से. ये डिफरेंस है, बस ये जरा ध्यान रखना आपने. हाउएवर ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब मैं थोड़ा सा ना इसको सही करता जाता हूँ और आप थोड़ा थोड़ा करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए. हाउएवर ऑन द कॉन्ट्रेरी यहाँ पे फिर आएगा कॉमा, अदर अदर की जगह अदर्स आएगा, तब सजेस्ट आएगा ना, अदर सजेस्ट. क्या सजेस्ट करते हैं, अब ये यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ लिखना है ना. सजेस्ट दैट गिविंग फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट वुड बी द फॉरमोस्ट ऑब्लिगेशन ऑफ गार्डियंस, ठीक है. लेट अस डिस्कस इन डिटेल, ठीक है. On the one hand, there are some possible aspects of the topic, ठीक है. Undoubtedly, अब ये देखें जब आपने और aspects की बात की है ना, अब मेरा दिल करेगा आप उस aspects पे बात करना शुरू करें. जब आपने कहा aspects पे, अब मैं मेरा एक जेन कह रहा है कि आप आगे आपने लिखना है कि जी पहला aspect क्या है, दूसरा aspect क्या है, तो ये मेरा माइंड ये पढ़ने के लिए तैयार हो गया. लेकिन अगर आप ये बात नहीं करेंगे तो कोहेजन ब्रेक हो जाएगी. Undoubtedly, parents are the first guiders of children who gives direction about right and wrong doings. Right and wrong का word पहले हमने use कर लिया था, इसको कोशिश करें change करें. अच्छा wrong doing जो है ना, wrong doing ये compound word है, S से लिखते हैं हम उसको. Wrong doers जो गुनाहगार लोग हैं उनको wrong doers भी कहते हैं. In truth, parents should need to consider at the time of birth children regarding nourishment. अब ये देखें ये, अब आप जो भी बात कर रहे हैं मैंने जो एक सेंट्रल आइडिया पहले डेवलप करेंगे, अभी ये सारी लाइनें अलग अलग हैं, एक जुमला ये अलग है, एक जुमला ये अलग है, इनके दरमियान कोई लिंकिंग नजर नहीं आ रही. Therefore, in order to make room for the betterment of child, parents should guide their children about all facets of realities. In adoption of such realistic approaches would help child to become realistic about all truth falsified things. In my opinion, setting up such manner is essential for the well-being of children moral values.
अभी मैं इसको पढ़ता जा रहा हूँ और उमेर सिंपल आप ये समझें कि मैं सिर्फ टेंस टोन्स में थोड़ा बता रहा हूँ आपको। तमाम काफ़ी स्टूडेंट्स को जो एक चीज़ चाहिए वो हमने वर्कआउट करना है अप्रोचिंग टास्क टू के ऊपर, कि टास्क टू को लिखना कैसे है, बिल्कुल शुरू में डिसाइड क्या करना है कि हमें करना जाना किस साइड पे। ये चीज़ लैग कर रही है आप में से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के आंसर्स के अंदर। ऑन द अदर हैंड देर आर सम पोटेंशियल एडवांटेजेस ऑफ द टॉपिक। अब टॉपिक में अब आओ ना अपने आइडियाज के ऊपर बताओ इस चीज़ के एडवांटेज है। टॉपिक टॉपिक ना करो, टॉपिक तो खत्म हो गया पहली लाइन में, आगे तो दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, दो ग्रुप्स हैं। अब दो ग्रुप्स की अलग अलग बातें हैं, पहला ग्रुप कुछ कह रहा है, दूसरा ग्रुप कुछ कह रहा है। अगर आप दूसरा ग्रुप या दूसरा स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहे हैं तो बताएं दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या कह रहा है पहली लाइन में, उसके बाद फिर आगे चलें। सो पेरेंट्स आर ऑट टू नरिश चिल्ड्रन। चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार और वही बात आप कर रहे हैं, लेकिन ये दिस इज नॉट गोइंग टूवर्ड्स आंसर, जो रिस्पॉन्स है उसकी तरफ आंसर नहीं जा रहा। इन माई परस्पेक्टिव पेरेंट्स शुड नॉट बी स्ट्रिक्ट बट गिविंग मच फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट। इन द कल्मिनेशन ऑफ द अबव डिस्कशन आएगा, अबव कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा, अबव डिस्कशन आई विटनेस। इस सेंटेंस को भी दोबारा लिखेंगे। आज के आंसर में आपके मीनिंग्स फुली डेवलप नहीं हो पाए जैसा कि पिछले क्वेश्चन के अंदर थे, या आपने रीड नहीं किया या जो भी व्हाट्स एवर है, काफ़ी चीज़ें आइडियाज उनसे हैं वेग हैं इसके अंदर, तो इन चीज़ों पे वर्कआउट करें, मजीद लिखें या समझें इसको। लेकिन ये कि अभी ये लेक्चर ख़त्म होता है तो फिर थोड़ा सा टाइम अगर मेरे पास बचता है तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगा, या किसी का कोई अच्छा आंसर आता है फिर मैं बताता हूँ कि इस तरीके से ये एक अच्छा ये ऑप्शन है, आप इसको डेवलप करें इस तरह। जी कफील साहब, सॉरी जी वालेकुम सलाम। अच्छा ऑफस्प्रिंग का जो वर्ड है ना, ऑफस्प्रिंग्स ये वाला, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ऐसी गलतियां आप कर रहे हैं जो मैंने नहीं पढ़ाई, जैसा वाइल से पहले कॉमा लगता है, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको नहीं बताया कि वाइल से पहले कॉमा लगता ही है, कल परसों के लेक्चर में आएंगी चीज़ें, इसलिए मैं आपकी वो गलतियां बताऊंगा जर्नल जो जो नहीं पढ़ी और मैंने पढ़ानी है उसको भी डिस्कस नहीं करूंगा, बता देता हूँ कि ये मिस्टेक है, यहाँ पे ये मिस्टेक है। ये जी ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग नाउन है, ठीक है जी, ऑफस्प्रिंग। और द प्रॉब्लम्स पेरेंट्स हैव विद देयर टीन एज ऑफस्प्रिंग, ये देखे ना, ये है बेसिकली प्लूरल है ऑफस्प्रिंग, और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, ये प्लूरल जैसा पीपल है उसका मतलब ही जमा है, उसके साथ आपने एस नहीं लगाना, स्प्रिंग्स आपने लिखा हुआ यहाँ पे ये वाला वर्ड। ये ऑफस्प्रिंग ही आएगा बस। एस रिमूव कर दूं सर? हाँ जी एस नहीं आएगा यहाँ पर ठीक है सर, एक क्योंकि बार। वैसे ही प्रूलर में आता। हाँ जी
In learning grade, it is quite challenging for parents to raise their children with ethical values, but majorities of media channels and games play a very negative role with it. However, they also learn in gaining knowledge with these sources. Furthermore, if we want a better society for the parents need. अच्छा जी, ये आपका जो यहाँ से यहाँ तक है ये आपने अच्छी डेवलपमेंट की है, लिंकिंग वर्ड्स वगैरह सारी चीजें ठीक हैं। ये कॉमा जनसा ना ये नहीं ठीक लगा हुआ, ये एक सेंटेंस है दोस्त कम्युनिटीज। अच्छा, वेयर यूज कर रहे हैं आप दोस्त कम्युनिटीज, नहीं ये देखे ना, दोस्त कम्युनिटीज वेयर पेरेंट्स पर्टिकुलरली मॉनिटर देयर चिल्ड्रन वैल्यूज अल्टीमेटली, वैल्यूज अल्टीमेटली को छोड़ें यहाँ पे लगाएं कॉमा, और दे आर डेवलपिंग अ गुड सोसाइटी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सम पेरेंट्स वैल्यूज के बाद कॉमा लगा दूं, अल्टीमेटली को खत्म कर दें, ठीक है सर, अच्छा, और कॉमा भी हटा दूं, और दे आर डेवलपिंग ना लिखें, दे डेवलप लिखें, वो डेवलप करते हैं, कर रहे नहीं है, करते हैं। दे डेवलप्ड, अभी मैं सिर्फ आपका ना फ्लो देख रहा हूँ, आपके कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स देख रहा हूँ, आपके कॉमेशों में देख रहा हूँ, और मीनिंग सम अप टू एन एक्सटेंट, लेकिन जो क्वेश्चन की डिमांड है वो दैट इज डिफरेंट, वो अभी मैं इतना ज़्यादा उस पर नहीं आ रहा, आऊँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। और कुछ चीज़ें ऐसी जो मैंने नहीं पढ़ाई अब वो आपको पता ही नहीं है, उस पर मैं डिस्कशन भी नहीं कर सकता आपके साथ। ये इसको जरा आप दोबारा देखेंगे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ, ठीक है। ये कुछ कॉमर्स के इश्यूज आ रहे हैं जो विच से पहले आपने लगाए हुए, इसको डिस्कस करेंगे कल वाले लेक्चर में, जो स्टेप 5 है हमारा कॉमे का, हम उसकी तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। सर एक बेसिक प्रॉब्लम आ रही है, मैं जब भी ऐसे लिखता हूँ 200 या 210 में खत्म हो जाता है, मैं फिर उसको बढ़ाने के लिए जब भी करता हूँ तो कुछ, यानी मुझे देयर इज समथिंग फिशी, आई फील समथिंग लाइक दैट, नहीं, अब मैं तो अब आपको यानी बताता हूँ, जब स्टूडेंट्स नए नए आते ठीक हैं ना हमारे पास, पहली स्टेज उनकी होती है कि उनसे लिखा नहीं जा रहा होता, छोटे जो वो लिख रहते हैं। दूसरी स्टेज ये आती है कि वो बहुत लंबा लिखना शुरू कर देते हैं, अब उनसे छोटा नहीं हो रहा होता, यानी कि ये सेकंड स्टेज होती है। और अक्सर स्टूडेंट्स 350, 325, 339 वर्ड्स पे आ जाते हैं। और थर्ड स्टेज ये होती है कि दोबारा वो कंसाइज करते हैं और उसको आते हैं 275-280 वर्ड्स के ऊपर, ये फाइनल स्टेज होती है। ये समझें जैसे एवोल्यूशन है ना, उसके तीन डिफरेंट स्टेजेस हैं लर्निंग एवोल्यूशन जिनसे हो रही है, कि पहले आपसे लिखा नहीं जा रहा, दूसरा लिखते हैं तो अब कम नहीं किया जा रहा, लंबे लंबे जुमले अननेसेसरी सेंटेंसेस लिखी जा रहे हैं, उसके बाद फिर कंसाइज राइटिंग होती है और फिर फाइनल होता है, ठीक है जी। चले जी, डॉक्टर समरा, नाउडेज मेनी पीपल आर ऑफ द ओपिनियन, अच्छा जी, दैट पेरेंट्स बीइंग द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट टीचर्स, अच्छा, प्ले अ वाइटल पार्ट टू मेक देयर चिल्ड्रन ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स विद हाई मोरालिटीज, which is contrary to the idea that parents should solely provide food and shelter to help raise their children. To help raise their kids, kids जो word है ना ये informal है, आपने इसे avoid करना है। और ये जो आखिर लिख रहे हैं to help raise their kids, इसको जरा देखें, reconsider करें। I am in favor of the former argument as it is more valid in civilized world, ठीक है। Gone are the days when parenthood was meant to fulfill basic needs of their children only.
हाउएवर से पहले मैंने भी जो बताया आपको पता लग गया होगा कॉमे वगैरह और सेमी कॉलन का। यस सर। अच्छा जी, ये जो कैन नॉट बी ओवरशैडोड है ना, खैर जो अब आप क्या कर रही हो, द फैक्ट दैट पेरेंट्स रिमे आर मेन प्रोवाइडर्स ऑफ फूड हेल्थ एंड बेटर एनवायरनमेंट फॉर अ गुड ब्रॉट अप ऑफ देयर किड्स कैन नॉट बी ओवरशैडोड। एक बात आपको बताऊं, ये जो पैराग्राफ है ना उसमें मिनिमम टू सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है? ये एक आपका जी इस तरह हम ना पैराग्राफ नहीं बना सकते जैसे आपने लिखा हुआ, कम से कम दो सेंटेंसेस और ज्यादा से ज्यादा चार पांच छह सेंटेंसेस हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं एक पैराग्राफ में। और एक पैराग्राफ में एक सेंट्रल आइडिया होता है जिसको आपने डेवलप करना होता है, ठीक है? सर। अभी सिर्फ ये जहन में रखे हैं, फिर इंशाल्लाह चीजें आगे मजीद डिस्कस होंगी। एक चीज है कंपाउंड सेंटेंस, एक चीज है कम्प्लेक्स सेंटेंस, और एक चीज है कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। वो नहीं अभी मैंने पढ़ाया, कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, कम अज कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। इसको भी इंशाल्लाह थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एनालिटिकली स्पीकिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बिगेंस इन द चाइल्डहुड, सो द बेसिक सो के बाद द बेसिक लर्निंग इन द अर्ली ईयर्स, ये कॉमा नहीं आएगा यहाँ पे, सो के बाद जाने दें सीधा इसको। अगर यहाँ पे ओपनिंग फ्रेज आए तो फिर आएगा, ये ओपनिंग फ्रेज नहीं है, ये सब्जेक्ट का पार्ट है ना। इन अर्ली ईयर्स चैनल्स वंस लिविंग स्टाइल एंड मॉरल वैल्यूज, चैनल वर्ब है ना, ये वर्ब है ना, और ये सब्जेक्ट पार्ट है इस सेंटेंस का, ठीक है ना? तो इसमें कहीं पे भी कॉमा नहीं आएगा, सो के बाद सीधा ही जाने दो यहाँ तक। अब ये इन द 21st सेंचुरी, ठीक है सर। ये ओपनिंग फ्रेज है, ये ओपनिंग फ्रेज है, इसके बाद कॉमा आप लगाएंगे, ठीक है? अब ये फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम एक तो आएगा यहाँ पे द आर्टिकल, ठीक है ना, फ्रॉम द इंटरनेट, और यहाँ पे पहले कॉमा नहीं आएगा, फ्रॉम द इंटरनेट टेलीविजन एंड अदर सोर्सेस गोज अनचेक्ड, सो कॉमे ही कॉमे कर दिए हैं। आइए तो दाल में वो जैसे चावल नहीं बनाते हमारे इधर पाकिस्तान में, उसमें जीरा डाल देते बहुत ज्यादा, तो फिर वो अजीबो गरीब ही इम्पेक्ट आता है उसका, ये ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल ये कि अभी अब क्लास लें, एक सेंटेंस में अगर आपको बहुत ज्यादा कॉमे नजर आ रहे हैं ना तो उसको थोड़ा सिंपल कर लें। अब सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस आपका हो रहा है यहाँ से इन द 21st सेंचुरी ना, ये जरा देखें यहाँ, डॉक्टर समरा आपके काफी शोर आ रहा है बैकएंड। हाँ जी, अच्छा जी, फॉर चिल्ड्रन बीइंग इमेच्योर कैन नॉट डिफरेंशिएट, इतने देखिए मेरी बात सुने, एक या दो लॉन्ग सेंटेंसेस हम लिखेंगे या तीन लिख लेंगे मैक्सिमम एक पूरे ऐसे के अंदर। दूसरी बात यह है कि जब आप उसको डेवलप करें तो फिर वो कोई ना कोई हमें पता हो कि ये मतलब किस तरह का सेंटेंस है तो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन लेकिन है किस तरह की, उसमें भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए। आप यहाँ पे सीरीज भी लिख रही हैं, करेंगे इंशाल्लाह, इसमें परेशान होने की बात नहीं है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये कि इसको सिंपल करें, और अगले दो चार लेक्चर्स नहीं उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी मजीद होगी, खास तौर पे पैराग्राफ फॉर्मेशन से मुतल्लिक। यस सर। यहाँ पे ना अब फुल स्टॉप लगा देना चाहिए था, अब एज से पहले पहले यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना चाहिए था। ये जो पार्ट आप लिख रही है ना, विच अल्टीमेटली लीड्स टू अ हेल्दी नेशन, यहाँ पे बात खत्म, बाकी अगर यहाँ पे खत्म कर दें तो ये जितने आपने कॉमे लगाए हैं ये ठीक लगे हुए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सर ये जो लास्ट लाइन है ये पिछले की कंटिन्यूटी में लिखी हुई है ना, तो ऐसे ये अलग से लाइन अजीब लगेगी। खैर आप लिख रही हैं, इन कंक्लूजन बिसाइड सपोर्टिंग फाइनेंशियली द वेरी ऑब्लिगेशन ऑफ पेरेंट्स दीज डेज इज टू मेक देयर चिल्ड्रन लर्न बेसिक एथिक्स एंड डिसिप्लिन। ठीक है, जी अच्छा, ये आपने इनक्लोजिंग डिटेल डाली है यहाँ पे, ये ऐसे एज द वर्ल्ड कैन नॉट टॉलरेट फिजिकली हेल्दी बट अनएजुकेटेड पीपल एनी मोर। ठीक है, ये समहाउ समझ आ गई इसकी। ये मैं ना अभी एक दो अगर याद रखें, मैं इसको डिलीट कर दूं, ये कॉमे और ये कॉमे के दरमियान में जो बात है, जो इनक्लोजिंग डिटेल होती है ना, जो दो कॉमो के दरमियान में, उसके अंदर एक चीज होती है, वो ये कि अगर आप उसको रिमूव कर दें तो सेंटेंस के मीनिंग पे और उसकी उसकी एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके स्ट्रक्चर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक जी एडिशनल सर, लेकिन सर वर्ड वर्ड्स भी तो पूरे करने हैं ना। नहीं, वो अभी हो जाएंगे, वर्ड्स की टेंशन ना लें, वर्ड्स तो एकदम आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक मेरे पास ना एक डॉक्टर कुरतुलैन आई थी, माशाल्लाह शी गॉट 7.5 इन राइटिंग। वो उनकी ना राइटिंग को एंड में हमें मसला ये हो रहा था कि वो सुकेड़ा नहीं जाता था राइटिंग। वो राइटिंग पे लिखती थी 325 वर्ड्स, 330 वर्ड्स, 340 वर्ड्स, और वो कंसाइज होना मुश्किल हो रहा था। फिर आई मीन शी टुक द टेस्ट 3 दफा, उनकी असेसमेंट 7.57 ही चाहिए थे उनको, और उन्होंने अपने कर लिए थे। राइटिंग में उनके काम नहीं आए, एक दफा उनके ना मेरे ख्याल में 7 ईच आ गए थे, 7.5 ओवरऑल नहीं बने। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में शी गॉट 7.5 ओवरऑल, 7 8 777 लिए थे उन्होंने, और उनका स्कोर हो गया था। और उसके अलावा उन्होंने एक बुक करवा ली थी डेट आगे की ना, उसमें भी पेपर दे दिया उन्होंने। और जब उनको टेंशन खत्म हो गई, जब उन्हें ये पता लग गया जी मेरे स्कोर आ गए हैं अब 8 777, अब ये मैंने चूंकि फीस जमा कराई थी तो मैं वैसे ही पेपर दे रही हूँ, तो शी गॉट 8.5, 8, 7.5 और 7.5, 7.5, 7.5, 8.5 और 8। ये उसका आखिरी टेस्ट था, और उससे पहले 5 दफा उसने टेस्ट दिया था आइल्स का, एक दफा भी 6.5 में, राइटिंग में 6.5 से ऊपर नहीं क्रॉस करके गई थी। डॉक्टर कुरतुल्लैन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, अब यूके में होगी, पता नहीं गई है या नहीं। अच्छा जी, चलें डॉक्टर समरा, इंशाल्लाह ताला डिस्कस करते हैं आगे, कहते हैं लेट द बॉल। सर सर ये जो थर्ड पैराग्राफ है इरिस्पेक्टिव ऑफ द कॉमास, इसको देखा जाए तो वैसे अगर सेंटेंस मेकिंग ठीक है। अभी ना अभी अभी ये है कि मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, अभी बस चुप करके ना इसको आगे चलने दें थोड़ा सा। हाँ मतलब मुझे वो क्रिटिक ना करवाएं, अभी आपका फर्स्ट लेक्चर है, अगर अभी छोड़ दें इसको। ठीक है सर। सर एक चीज यहाँ पूछनी थी, ऐसे में थी द द वेरी ऑब्लिगेशन, तो ये सही है वर्ड या द वेरी नेक्स्ट डे होता है, ये तो सुना था। नहीं ठीक है, कि उनका जो बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट उनका फर्ज है ना, ऑब्लिगेशन। चलें जी, मैं सूफी आ गई। हाँ सूफिया अब्दुल गनी, मोहम्मद अब्दुल गनी, अपना माइक ऑफ कर लें जरा प्लीज। चलें जी, सूफिया का आंसर देखते हैं। सूफिया जब आती है ना, मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं, पता नहीं अभी उतरती है पूरी या नहीं। विद द एडवेंट ऑफ द 21st सेंचुरी वर्ल्ड हैज बिकम सिविलाइज एंड प्रायोरिटीज हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम कन्वेंशनल व्यू टू मॉडर्नाइज्ड थॉट। हाय हाय, मजा आ गया, आगे चलते हैं। देयरफॉर से पहले कॉमा नहीं आएगा ना, क्यों कॉमा लगा रही हो, ये मिस्टेक आप बार बार कर रही हो, और आपको बार बार मैं समझा रहा हूँ इसको ना करें। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, ठीक है, जैसे हाउएवर है वैसे ही देयरफॉर है,
यहाँ पे सेमी कॉलन लगा लो या फुल स्टॉप लगा के आगे देर फोर के बाद कॉमा दो और जाने दो। पहला आपका जबरदस्त इंट्रोडक्शन, आगे चलते हैं। नाउ डेज में कोई स्पेस नहीं होती, इसको सही करें। अच्छा, सुफिया एक काम करो, मुझे बताओ कि इसमें एग्जांपल कहीं कोड किया आपने? कैन अल्टीमेटली सफर बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ एटमोसफियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेल बीइंग ऑफ द यूथ एंड एटिकली स्पीकिंग अपार्ट फ्रॉम द रोड डिस्कशन। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेजिटिमेट राइट ऑफ गार्डियंस इज टू इनकलकेट राइट या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये राइट का वर्ड चेंज करें, राइट ऑफ चिल्ड्रन कह सकते हैं। जॉब कर लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी कर लें, इन द कल्बिनेशन ऑफ द अबाउट डिस्कशन माई बिलीव हैज ब्लॉस्टर्ड। अच्छा जी, दैट फाइनेंशियल सपोर्ट इज नॉट इनफ, इंस्टेड पेरेंट्स शुड पे मोर अटेंशन ऑन मैनरिज्म बाय फेमिनाइजिंग चिल्ड्रेन। बहुत अच्छा लिखा है आपने। और बैंड्स सेवन, ये पहला आंसर है जो सेवन बैंड का है अभी तक सो फॉर। बोल नहीं रही, बोल क्यों बुलाना है उसको? सोफिया आपके हस्बैंड कह रहे हैं बोल नहीं रही। रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में देखी जाएगी। अच्छा जी, अनम शहजादी, अनम लिख रही है कि इन रनिंग डेज पेरेंटिंग हैज डिबेटेड अमंगस्ट क्रिटिक्स अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड। अनम एक बात बताऊं आपको, अभी तो लिखें जो जो दिल कर रहा है आपका ना, ठीक है? अच्छा अच्छा लिखें, अच्छे वर्ड यूज करें, लेकिन दिस इज कॉल्ड वर्बोसिटी। वर्बोसिटी ये होती है कि जैसे हम किसी चीज को एग्जैजरेट करके बढ़ाते हैं ना, तो हमें ना एक नेचुरल वे में लिखना होगा। बताऊंगा, आगे डिस्कस करूंगा, अभी मैं पढ़ लूंगा आपका इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर बताता हूँ। सम पीपल बिलीव दैट पेरेंटिंग इज टू टीच चिल्ड्रन एथिकल मूवीज मोटिव्स, व्हाइल अदर्स कंटेम्पलेट that parenting is to only offer protection, nourishment and comforts. In my opinion, the first argument is more valid. Let us discuss both in detail. वहाँ अच्छा लिखा है, चलें आगे देखते हैं। इसको फिर खत्म करो ना सेंटेंस को, बढ़ाई जा रही हो आगे। यहाँ पे आप वेन आउट अलोन और यूजिंग मॉडर्न डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन्स एंड द इंटरनेट। अच्छा, अगर कहीं पे रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाए ना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर, तो फिर मसला खराब हो जाता। दिस इज व्हाट यू आर राइटिंग इन टुडेज। एक जब
बेसिकली लॉन्ग सेंटेंसेस आपने लिखने हैं, बट इट डजेंट मीन के अगर एग्जामिनर वापस जाए पढ़ने के लिए, कोई भी आप बुक में लॉन्ग सेंटेंस देखें तो वो पूरा ना एक फ्लो डेवलप होता है। अगर एग्जामिनर वापस जाए पढ़ने के लिए तो इट मीन्स ही स्ट्रगलिंग टू कम्प्रीहेंड मीनिंग आउट ऑफ योर सेंटेंसेस। इस चीज को आपने देखना है कि मीनिंगफुल। अब देखते हैं जरा इसको ना। चिल्ड्रंस मॉरल सेंस ऑफ डेवलपमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट, मॉरल सेंस ऑफ डेवलपमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट ड्यू टू द रैपिडली इंक्रीजिंग क्राइम्स अमंगस्ट चिल्ड्रन एंड द डैमेजिंग इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड द की रिस्पॉन्सिबल। अच्छा जी ठीक है जी, सोशल मीडिया हो गया, यहाँ तक तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एंड द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स इज टू गाइड देम बाई कीपिंग एन आई ऑन सच एक्टिविटीज या ऑन देयर एक्टिविटीज, स्कूल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ऑन सच एक्टिविटीज करके फुल स्टॉप लगा दो तो बस बहुत अच्छा ही है, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वेन आउट अलोन और यूजिंग मॉडर्न डिवाइसेज लाइक मोबाइल फोन्स एंड द इंटरनेट। ठीक है मैं समझ गया हूँ, बट इट इज बेटर इफ यू विल स्टॉप द सेंटेंस देयर एक्टिविटीज के बाद। आगे, इंट्रो चिल्ड्रन ऑलवेज लर्न एथिक्स, मैनर्स, वैल्यूज एंड कल्चर फ्रॉम देयर फैमिली। दूसरी बात यह है कि रिपीट ना करें। अगर आपने ऊपर सीरीज दे ही दी ना एक जगह पे, तो फिर आप उस नेक्स्ट सेंटेंस में सीरीज को देने से भी अवॉइड करें। यानी कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए वोकैबुलरी में भी, और डाइवर्सिटी होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर भी। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे इन ग्रेट ब्रिटेन, चिल्ड्रंस क्राइम रेट इज इंक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू द बैड इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली बिहेवियर। अनम, आप यूके से है ना? यस सर, अच्छा, फार्मासिस्ट है ना? जी सर, अच्छा ठीक है। एक और है मिस रूही, वो भी यूके से है, वो पता नहीं कहाँ चली गई। चलें आगे चलते हैं जी हम। ऑन द अदर हैंड, सम पेरेंट्स ओनली फोकस ऑन मटीरियल लग्जरीज एंड कम्फर्ट्स विच मे लीड टू डिजास्टर्स इम्पैक्ट ऑन देयर चाइल्ड्स कैपेबिलिटी एंड मॉरल्स, एज दे मे नॉट अंडरस्टैंड देयर रूट्स माइट वेस्ट ऑन मटीरियलिस्टिक कम्फर्ट्स टू फील कॉन्फिडेंट अमंगस्ट अदर्स। ऑल द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ लाइक फूड एंड क्लोज आर नेसेसरी, बट टू मैनी कम्फर्ट्स मे रिजल्ट इन पीपल बिकमिंग लेस ग्रेटफुल इन लाइफ इन देयर लाइफ। कर दें, इन अ सेंस आई बिलीव दैट ऑल द मटीरियल फैसिलिटीज आर इम्पॉर्टेंट टू एन एक्सटेंट, बट आई सपोर्ट द व्यू दैट पेरेंट्स प्ले अ डेट्रीमेंटल रोल। इसको जरा देखें, जरा इस वर्ड को ना, डेट्रीमेंटल रोल को, इन टीचिंग डिसिप्लिन एंड मॉरल वैल्यूज एज दिस इज अ बेसिक नीड ऑफ अ सिविलाइज्ड वर्ल्ड। अच्छा बच्चे, दो तीन चीज़ें ज़रा लिख लें। एक तो आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे लगे हैं मुझे, यानी कि एक्सप्रेशन ये कहते हैं जो फ्लो ऑफ राइटिंग है ना, या जो डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यूज करती हैं, वो अच्छा है। आई रियली अप्रिशिएट। सर, मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा पहले तो ये समझने में कि क्वेश्चन में क्या है, फिर उसके बाद मैंने ये लिखा है। बहुत टाइम लगा मुझे, मुझे उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा था क्वेश्चन का, स्पेशली सेकंड पार्ट का। हाँ जी, थोड़ा सा एम्बिगुअस है क्वेश्चन, इंशाल्लाह वो आगे एक लेक्चर आएगा ना अप्रोचिंग टास्क टू में। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं, आपकी रिपीटिशंस आ रही हैं उसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर और बाकी चीज़ों में, और ज़्यादा देर नहीं लगेगी इंशाल्लाह। आई होप सो कि बड़ी जल्दी यू विल ओवरकम ऑल दिस काइंड ऑफ इश्यूज एंड यू विल गेट योर रिक्वायरमेंट्स। अब तैयार हो जाएंगे पेपर के लिए, बस अगले लेक्चर्स लें जरा ध्यान से और उसके अकॉर्डिंगली इसको मोल्ड करते जाएं क्वेश्चंस में। ओके सर, थैंक यू। इसके बाद तुम आ रही हो, कर दे भाई, टोकन लगे हुए हैं, नंबर लगे हुए हैं। सर मेरा ऐसे रह गया है। सोफिया उसका सोई हुई थी जब आप कैसे मैंने किया डिस्कस। अब आप रिकॉर्डिंग चेक करना है या उसे पूछना नवीद से। आपने कर लिया? सोई हुई थी ना आप? नहीं सर, सोई नहीं हुई थी, मैं जरा बाहर गई थी। हाँ जी, हो गया है डिटेल में, अच्छा लिखा है आपने, 7 बैंड है। लेकिन ये कि इसको अब रिकॉर्डिंग आएगी ना आपके पास, फिर सुनिएगा वो पार्ट आप। जी ओके।
जी नुमान साहब, नुमान साहब मौजूद हैं आप यहाँ पे? नुमान, और भी तो भाई आपके पीछे, तो रेलगाड़ी के डब्बे लगे हुए हैं। अच्छा वो ना एक स्टूडेंट है, आई मीन शी पोस्टेड जी इंदर कौर। आपने कहाँ पे इसको अपना आंसर कहाँ पे सेंड किया? आपने काफी पहले सेंड किया था, मैं ख्याल मुझे पर्सनल सेंड किया हुआ है ना। हाँ जी सर, तुम पर्सनली सेंड किया मैं। तुझे पर्सनल सेंड किया था, पर कितने सेंड किया था? मैं नजर नजर नहीं आ रहा थोड़ा आंसर। ए मखल सेंड किया था तुझे शायद। चलो मैं पढ़ना जरा देख लो, काफी पहले मखल तुझे किया है, बाकी स्टूडेंट्स से बात चो ने। हाँ जी सर, ये वाली चैट चाहिए। आइंदा जरा ना तुझे ग्रुप दे विच ही करना, ठीक है? जिससे बाकी सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं तुझे भी उत्थे ही करना है नो। अच्छा जी, पेरेंटिंग इन दिस कंटेम्प्रेरी इरा हैज बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर। मैनी ऑफ अस बिलीव दैट दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट तो बाद कॉमा नहीं आना, ठीक है सर, दैट तो बाद कॉमा उस ठीक है टाइम सर। आएगा जदों तुसी इत्थे कोई ओपनिंग फ्रेज लिखोगे, जिवें इन रनिंग डेज या कुछ कोई होर से, जिवें इन माई ओपिनियन थले लिखिया ना, एंड कोई शायद आएगी तो फिर तुसी दैट तो बाद कॉमा पाना, वैसे नहीं इत्थे आएगा। हाउएवर अदर्स अदर्स सजेस्ट, हुण सजेस्ट आ गया तो उहदे पिछे अदर्स आएगा ना, अदर नहीं आएगा, और पिछे प्लूरल होएगा ठीक है तो सर, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस दे विच अगे वर्ब दे नाल फर्स्ट फॉर्म ते एसईएस लगेगी, ठीक है ना? नहीं लगेगी ना। अदर सजेस्ट दैट द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स इज ओनली टू प्रोवाइड सिक्योर एनवायरनमेंट। इन माय ओपिनियन द फर्स्ट आर्गुमेंट इज मोर वैलिड। ए इंट्रोडक्शन थोड़ा अच्छा लिखा गया, मतलब जिन्ने तुहानू नंबर चाहिए ने उस हिसाब नाल ठीक है। अगे मैं उनका करना। इनएक्चुअलिटी पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स हु गाइड देयर चिल्ड्रन अबाउट डिसिप्लिन। इफ पेरेंट्स विल नॉट टीच देन, अच्छा जी जो स्ट्रक्चर इन्हों तुम दोबारा सही करना। अगर मैं पढ़ावगा कंपलैक्स सेंटेंसेस ना, इफ तो पहले कॉमा नहीं आता, ठीक है? जे ठीक है सर। इफ शुरू च लिखिया फिर तो तुसी अगे कॉमा पाओगे तो अगे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दोगे, लेकिन जे दरमियान च आ रहा है फिर तुसी इस तो पहले कॉमा नहीं लिखना है। इन एडिशन टू दिस व्हेन पेरेंट्स टीचर्स टीच देयर अपब्रिंग्स व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग एंड चिल्ड्रन कैन डिफ्रेंशिएट इजीली व्हाट इज गुड और बैड। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स डू बैड थिंग्स लाइक क्राइम, टेक ड्रग्स एंड थेफ्ट। अच्छा जितने तुसी लाइक द वर्ड, बाकी भी स्टूडेंट सुन लें, व्हेन यू आर यूजिंग दिस लाइक वर्ड यू हैव टू यूज सच एज, इट इज बेटर देन यू विल यूज सच एज वर्ड, राइट? सो एट द सेम टाइम इफ एनी यंगस्टर्स फोर्स टू देयर फ्रेंड्स, प्लीज ये स्विच ऑफ योर माइक अपना बंद कर दें, जस्ट लिसन टू मी एंड व्हेन इफ यू वांट टू गिव एनी कमेंट यू कैन टर्न ऑन योर माइक एट दैट टाइम। सो एट द सेम टाइम इफ एनी यंगस्टर्स फोर्स देयर फ्रेंड्स फॉर टेकिंग ड्रग्स देन दे डू नॉट टेक बिकॉज देयर पेरेंट्स ऑलवेज टॉट ऑन द फेस ऑफ दिस द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स। ओके इंदर कौर, लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट फर्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पैराग्राफ राइटिंग, राइट? सो यू स्टार्टेड फ्रॉम हेयर बट वेयर यू एंड दिस पैराग्राफ आई नीड टू अंडरस्टैंड, नंबर वन। सेकेंड थिंग इज योर आइडियाज are not according to the demand of the question. Whatever the niche is, whatever the rationale is, you have to address that thing as well. Yes, sir. Since children are young, they are weak to independent and parents' barriers are required at that time. Under this boundary, they can feel more comfortable and learn plethora of skills. Apart from this, every parents should give comfortable environment to their children. For instance, if a life fails,
In his exams, parents should understand the cause and failures motivate children instead of punishment. In this way, juvenile starts speaking truth with their parents. Okay, this is fine, but the thing is, just keep on taking few more lectures, and the moment you will understand how to form a different kind of paragraphs, especially body paragraphs, and what is the, you can say, standard formation of a paragraph, then you will be able to craft in a meaningful way all these kind of paragraphs and sentences as well. For the time, there isn't any, you can say that when we talk about structure, aapka jo simple structure hai, this is appropriate. But when you are writing complex structures, so there are problems with your commas. But I hope so that with the passage of time, you will also learn the commas and rest of the things regarding when you are writing complex. ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ ਕੰਕਲੂਜਨ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਵ ਮੈਨੀ ਰਾਈਟਸ ਟੁਵਰਡਸ ਦੇਅਰ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗਸ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਰ। ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਐਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਅੱਗੇ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲੂਰਲ ਹੈਗਾ। ਵਾਈਲ ਹੈਵ ਟੂ ਪਨਿਸ਼ ਦੇਅਰ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਸ ਫਾਰ ਡੂਇੰਗ ਰੋਂਗ ਵਰਕ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਮਾ ਲੱਗ ਕੇ ਦੂਜੀ ਉਹਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਆਏਗੀ। ਖਾਲੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼, ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਜ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਰੋਂਗ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਨਾਲ ਲਾਓ ਤੇ ਕੋਮਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਾਇਲ। ਵਾਇਲ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਇਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਮਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਲਦੋ ਦੇ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਮਾ ਲਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਆਏਗਾ। According to my point of view, parents are the good teachers who teach their children about discipline and also guide in the right way, which plays a vital role. Okay, G, so these are some of the suggestions that you will pay more focus on complex formation, and second is task achievement, that how to craft, sorry, what is the demand of the question. And in coming days, hopefully in the next week, so I shall discuss this point, that how to approach writing task 2. It would be the title of the lecture, and after this there will be another thing, that is planning of essay. ये दो चीजें, this is very important, आपने करनी होगी। चलें जी, वापस आते हैं हम लोग। जी सर। रक्षंदा, फरहान, नवीद, नवीद से पहले बिलाल, बिलाल से पहले आयशा और नुमान। आप जरा थोड़ा सा ना गाड़ी तेज करते, 2 मिनट, 2 मिनट पढ़ते हैं बस भाई। जिन्होंने पहले एफर्ट किया है, पहले लिखा है, उनका पहले आंसर चेक होगा ना। जी नुमान, आर यू देयर? अच्छा चलें सुन लें। टू बी ट्रू पेरेंटिंग, पेरेंटिंग का पी छोटा करें, इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स, वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स टू रेज योर चिल्ड्रन इन अ राइट पाथ एंड टीच देम द डिसिप्लिन ऑफ लाइफ सच एज जस्टिस। ये क्या चीज़ है? दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं है। अच्छा, सेकंड थिंग, नुमान, आपके नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? आपने काउंट किए? पेरेंट्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड देयर चिल्ड्रन इन द राइट पाथ। पेरेंट्स मस्ट डिसिप्लिन देयर चिल्ड्रन, अदरवाइज दे बिकम अनकंफर्टेबल, अनकंट्रोलेबल। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर इमेच्योर, देयर एक्ट्स from their emotions, doing the violent and emotional actions are inevitable. ये क्यों लिख रहे हैं inevitable? For example, children immatures, इसको change करें inevitable को, उसको दोबारा you need to reform it. There it is important for parents to control those act of children by teaching them the rules of life so that children can be a part of society. From discipline, they would be able to learn justice, ethics, and morality. In actuality, the amount of
parental care and involvement should be weighed on a scale when you give too much nurture. Too much nurture नहीं आप दे सकते, ये भी वर्ड डिक्शनरी में आप दोबारा देखें और इसको सही करें. यू मे बी ओवरली प्रोटेक्टिव टू रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्ड्रन. दिस इज कंडीशन. चिल्ड्रन विल ऑलवेज डिपेंड ऑन यू एंड दे डू नॉट लर्न स्किल्स एंड डू नॉट लर्न टू कंसिडर अदर पीपल्स नीड. In the culmination of the above discussion, you provide the guidance to impose rules, use discipline, set limits, and follow through the consequences that help your children to change, grow, and mature. ठीक है, the thing is, इसके सबसे पहले तो number of questions को देखें, sorry words को देखें कि कितने आपने लिखे, और दूसरा अभी जो दो तीन आप लें आगे जिनसे आ रहे हैं लेक्चर्स, उसके बाद जो है ना वो चीज़ें कुछ क्लियर होंगी. मज़ीद पैराग्राफ फॉर्मेशन से मुतल्लिक जो है ना इस पर वर्कआउट करना था थोड़ा सा. जी आयशा 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 आयशा. एनालिटिकली स्पीकिंग मॉडर्न एज पेरेंटिंग ड्रैग्स आवर इमीडिएट अटेंशन. इसको ना सिंपल सा लिख लो ना कि रेजिंग चिल्ड्रन ड्रैग्स आवर इमीजिएट अटेंशन बिकॉज ऑफ इट्स यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस. मैनी ऑफ पीपल सजेस्ट दैट पेरेंट्स पिवोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी टेल चिल्ड्रन द डिफरेंस बिटवीन ये हावर ऑन द हावर कॉन्ट्रेरी टू दिस. कॉमा दोबारा लगाओ यहाँ पे. सम ऑफ देम बिलीव दैट पेरेंट्स मेजर रोल प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कर लो इज टू गिव चिल्ड्रन हेल्दी इन्वायरमेंट वेयर दे कुड एक्सेल दे कैन एक्सेल इन देयर lives ya flourish in their lives for the developed and civilized society. In my opinion ke baad comma aayega. First stance is more valid. yahan pe aisa likha, let us discuss both views. isko concise likhna hai aap. isko extend karti ja rahi hai, thoda sa concise likhna. overall behtar hai, better than before. what lies behind the ideas telling that of telling children between right and wrong. theek hai na. acha ye question statement basic de dete hain lekin dekhen ki wo meaningful ban rahi hai. वट लाइज के अलावा कोई और भी क्वेश्चन हाउ डज कर लें डू कर लें किसी तरीके से आप लिखें, लेकिन ये कि उसका पहले आपका जो सेंट्रल आइडिया वो क्वेश्चन के अंदर आ जाए फिर आप उसका जवाब देना शुरू कर दें. दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग. द फर्स्ट एंड फॉर्मर पर्टिनेंट फैक्टर इज दैट थ्रू दिस टाइप ऑफ लर्निंग दे विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन. किस टाइप ऑफ लर्निंग की बात करें आप लिख रही हैं कि थ्रू दिस टाइप ऑफ लर्निंग. विच टाइप ऑफ लर्निंग पेरेंट्स ने बताना है बाय दिस लर्निंग या बाय दिस टीचिंग दे कुड अंडरस्टैंड. इस तरह बताएं ना कि अगर वो पेरेंट्स उन्हें बताते हैं तो उससे ये होगा कि ऐसा हो जाएगा. दे कैन कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ ईवल्स टू मेक इट मोर क्लियरर. वेल अवेयर चिल्ड्रन हैव क्वालिटी टू सर्वाइव इन डिसिप्लिन. डिसिप्लिन चिल्ड्रन ऑलवेज फ्लरिश इन देयर लाइव्स because they are focused and complete their targets in time on time. ek word hai in time aur ek word hai on time. isme kya farak hai kisi ko pata hai? ji khizar, what is the difference between in time and on time? sir in time means within time and on time on the dot i think. जी ऐसे ही है. जब आपका ऑफिस लग रहा है 9 बजे, ठीक है, 9 o'clock इज योर टाइम टाइम ऑफ जो है आपका रिपोर्ट करने का, तो उसमें ये होगा कि आप ऑफिस पहुंचते हैं 7:45 पे या 9 बजे या तो 8:30 पे पहुंचते हैं. सो यू रीच देयर इन टाइम. बट अगर आप एग्जैक्टली 9 बजे तक पहुंच जाते हैं, 9 बजे पहुंच के आप अपना मार्क करते हैं तो यू रीच ऑन टाइम. ठीक है, अगर पूरे वक्त पे आ जाए तो ऑन टाइम, अगर विद इन रेंज उस टाइम के अंदर अंदर आ जाए तो इन टाइम. अच्छा जी, आगे हम पढ़ रहे थे कि चिल्ड्रन बिकम बेटर इंडिविजुअल्स सोसाइटी दो प्रमोटिंग. आयशा, एक चीज तो अच्छी चीज तो ये है कि आपने इम्प्रूव की, आपके एक्सप्रेशन बेहतर हुए हैं, आपकी फ्लो बेहतर हुआ है, आपकी चीजें वगैरह काफी बेहतर हुई हैं. और थोड़ी सी जो सोचने वाली चीज़ है वो ये है कि आपका सफ़र लंबा है, आपकी जो डेस्टिनेशन है वो काफ़ी आगे की है, इसलिए यू नीड
टायरलेस एफर्ट्स और बहुत काम करना है उसके लिए। तो चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, मैं व्हाट कैन आई टीच यू। एक चीज़ है कि किस तरीके से रीडिंग के ज़रिए आपने राइटिंग को बेहतर करना है। दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आगे 2 दिन मैं प्रैक्टिस सेशन की बजाय क्लासेस ही लूँ कॉन्टिन्यूसली, ताकि कुछ आपको पढ़ा दिया जाए। आई विल डिस्कस मैं इंशाल्लाह, कल तो लेक्चर है ही, मैं उसके बाद फिर हम करते हैं इसको फाइनलाइज। जी बिलाल साहब आपकी बारी आ गई, और नवीद साहब आपकी इसके फौरन बाद आ रही है। एनालिटिकली स्पीकिंग, रोल ऑफ पेरेंटिंग ग्रैब्स आवर इमीडिएट अटेंशन बिकॉज ऑफ इट्स यूनिवर्सल। सम ऑफ अस थिंक दैट इट्स अ पेरेंट्स ड्यूटी टू टीच देयर चिल्ड्रन अबाउट कॉन्शियसनेस, कॉन्शियंस। अच्छा जी, टू डेवलप कॉन्शियस इन देयर चिल्ड्रन, ठीक है ना, डेवलप कॉन्शियस इन देयर चिल्ड्रन मॉरल सेंस कॉन्ट्रेरी टू दिस अदर्स सेड, सेड नहीं आएगा, से आएगा। दैट पिवोटल रोल ऑफ पेरेंट्स इज प्रोवाइडिंग सेफ एनवायरनमेंट टू ग्रो अप इन माई परस्पेक्टिव। दो गलतियों के अलावा बड़ा अच्छा लिखा आपने, आगे चलें जी। सेकेंडली पेरेंट्स कैन टीच देयर मोर दिस मोर कन्वीनियंटली एट दिस लर्निंग स्टेज एज कंपेयर टू अदर स्पेशली टीचर्स। फर्दर मोर एवरी पर्सन वॉन्ट टू सी देयर चिल्ड्रन लर्न गुड डीड्स दैट इज बेनिफिशियल इन लाइफ। कॉन्सिक्वेंटली द रोल ऑफ पेरेंट्स इज वाइडर इन लर्निंग। बहुत अच्छा लिखा है, शाबाश, आगे चलते हैं जी। ऑन द फ्लिप साइड अदर्स थिंक दैट मेजर रोल इज दैट टू प्रोवाइड बेटर एनवायरमेंट टू द चिल्ड्रन। द जनरल वर्ल्ड वाइड सोरिंग रेट ऑफ यूथ, ये क्या भाई, सोरिंग रेट ऑफ यूथ, यानी कि यूथ बढ़ते जा रहे हैं। बिलाल कहाँ चला गया? इलीगल एक्टिविटीज, इनलीगल एक्टिविटीज में उनका जो रेट है यूथ का वो इंक्रीज हो रहा है। हाँ, तो अब ये कह रहे ना कि जो फ्यूल, सॉरी, जो यूथ है वो उनकी जो उन वो जो इंडल्ज हो रहे हैं, या उनके अंदर क्राइम रेट जो सा है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल स्पेशली सर, इसको रीडू करें, थोड़ा सही करें ना। स्पेशली ड्रग्स इज अलार्मिंग फॉर ऑल पेरेंट्स, सो दे शुड प्रोवाइड सेफ एनवायरनमेंट पैरामाउंट बेसिस। हाउएवर इफ दे विल प्रोवाइड अ बेटर सबर्ब एंड बेसिक नेसेसिटीज, चिल्ड्रन कैन बिल्ड, ठीक है, चिल्ड्रन कैन बिल्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड लर्न मोर कंफर्टेबली व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट फॉर देम। बहुत अच्छा, शाबाश। कॉन्सिक्वेंटली सच फोक्स थिंक दैट प्रोवाइडिंग अ सेफ क्लाइमेट इज अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। इन कंक्लूजन, एज आई हैव डिस्कस्ड अबव, बोथ नोशंस हैव ग्रेट वैल्यू इन चिल्ड्रंस नरिशमेंट, सो पेरेंट्स शुड क्रिएट अ हेल्दी इन्वायरमेंट एंड टीच। बिलाल आपके 6.5 कंफर्टेबल तरीके से आ रहे हैं इसमें। ठीक हो गया सर, थैंक यू। चलें जी, नवीद साहब। विद द एडवेंट ऑफ मैनकाइंड, अच्छा जी, एवरी चाइल्ड नीड्स गाइडेंस टू ग्रो अप। हाँ, कैसे जी? नहीं, विद द एडवेंट ऑफ मैनकाइंड तो समझ आ गई है। एवरी चाइल्ड, हर बच्चे को गाइडेंस चाहिए कि उसने बढ़ना कैसे है, यानी कि आप साल के हैं, 2 साल के हैं कैसे होंगे, 5 साल के हैं कैसे होंगे, उसको बताना पड़ेगा। तो वो बढ़ेगा नहीं तो फिर साल के ही रह जाएगा। कुछ भी करें, मतलब ये कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, ग्रो अप को चेंज करें। बहरहाल, देयर फॉर सम पीपल बिलीव दैट इट इज देयर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच देम अबाउट एथिकल वैल्यूज, बट एट द सेम टाइम, इसके बाद फिर कॉमा, फ्यू पीपल थिंक दैट इट इज नॉट नेसेसरी टू टेक चिल्ड्रन ऑन मॉरल ग्राउंड एक्सेप्ट प्रोवाइडिंग द शेल्टर्स अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव। यहाँ पे फिर कॉमा आएगा, पेरेंट्स आर बेस्ट सोर्स ऑफ डिलीवरिंग वैल्यूज। अच्छा लिखा है आपने, ओवरऑल पहले से अच्छा है। हैं? नहीं तो तुम्हें चेक कराया उसको? नहीं, कॉन्फिडेंस पहले चेक करवाया?
दरमियान में किसी को दिखाया था नहीं। अच्छा जी, इट इज नॉट अबाउट ह्यूमन ओनली, एवरी सिंगल क्रिएचर नीड्स टू लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग एंड गार्डियंस प्ले व्हेन अ इन्फेंट ग्रोज अप ईच ही नीड्स टू लर्न वर्ड सिंबॉलिक सिग्नल्स टीचिंग योर किड्स मॉरल वैल्यूज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव एज अ पेरेंट इन ऑर्डर फॉर योर चिल्ड्रन टू एक्ट मॉरली दे नीड। वाह जी वाह, आज तो नवीद तुम तो कमाल करते जा रहे हो। वट देर हैपनिंग अराउंड देम दे क्विकली अर्ली एज इज द बेस्ट टाइम फॉर लर्निंग, ठीक है। दा जहां पे भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी ना तो दा बेस्ट। दिस टाइम इज सुटेबल व्हेन पेरेंट्स कैन टीच देयर चिल्ड्रन। एट द सेम टाइम सोसाइटी ऑल्सो लेफ्ट सम इन्फ्लुएंसेस ऑन ग्रोइंग चाइल्ड बट नोइंग दैट नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आर फार मोर रिलाई ऑन लर्निंग। अच्छा अब इश्यू जो मैं चीज पहले देख रहा था आपकी, तमाम तो स्टूडेंट्स जो है ना, सबसे पहले स्पीकिंग के अंदर आपकी फ्लुएंसी होती है और राइटिंग में आपका फ्लो डेवलप होता है, यानी राइटिंग में आपके एक्सप्रेशंस आना शुरू होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते हैं। उसके बाद हम जाते हैं एक्यूरेसी की तरफ, यानी कि फिर हम जाते हैं कि जी आपने ये गलत लिखा है, फिर सिर्फ आते हैं ग्रामेटिकल एक्यूरेसी आती है, ग्रामर ठीक होती है आपकी, आपके वर्ड्स ठीक होते हैं, और सबसे आखिर में जाते हैं टास्क अचीवमेंट पे कि जो जो पूछा जा रहा है वो आप कितना कितने परसेंट एड्रेस कर रहे हैं। तो नवीद ने आज बड़ा अच्छा काम किया है, आई रियली आई एम सरप्राइज, और उसके अलावा ये कि आई रियली अप्रिशिएट हिम। और किसी बच्चे की जो राइटिंग है उसको हम ऐसे देखते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। ये भी हो सकता है एक स्टूडेंट है वो 5 बैंड का है और वो 6.5 पे पहुंचता है, तो और दूसरा 6.5 का है और वो 7 पे पहुंचता है, तो ज्यादा जो इम्प्रूवमेंट आई है वो आई है उसकी जिसने 5.5 से या 5 से 6.5 पे आया। इस तरीके से इसको आपने देखना है, लेकिन अच्छा लिखा है नवीद आपने। चलें जी आगे। फरहान कादिर साहब, मैनी ऑफ अस बिलीव दैट इम्पोर्टेंस ऑफ गार्डियंस इज टू लुक आफ्टर, यार ये लुक आफ्टर इकट्ठा वर्ड नहीं है, लदा लदा निगहदाश्त, लुक आफ्टर ठीक है। दे केयर्स एंड इनकलकेट देम अबाउट डिफरेंस बिटवीन एवरी ह्यूमन बींग एंड बेनिफिट व्हाइल ऑन द कॉन्ट्रेरी While on the contrary, some others suggest that they have to provide conscience. They have to provide consciousness. They develop their conscience. Suitable coaching and schooling to learn about their surroundings. In my perspective, the lateral argument is more valid in civilized world. While raising, let us discuss both views in detail before having a final. Before making a final judgment, having establishing a final judgment with the advent of the 21st century, ठीक है, the 21st century, parenting has become more complex phenomenon. The key responsible phenomena in the world, the key responsibility of parents is to teach their offsprings नहीं आएगा spring, about rules and regulations of that startling world as when child born they did not know, ठीक है जी। सो इट इज नेसेसरी, सो के बाद कॉमा, इट इज नेसेसरी टू लर्न फॉर इंस्टेंस टू बिकम मोर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे लिखा ना फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे लिखो सेम इज द केस विद एनिमल्स फॉर, हाँ फिर फॉर इंस्टेंस फ्रॉम, स्केप्टिक ऑफ द फॉर्मर आइडियोलॉजी, इसको रहने दो, अदर ग्रुप कर लो या ऑन द कॉन्ट्रेरी के बाद बात ही स्टार्ट कर दो आगे, ये लिखने की जरूरत ही नहीं। स्केप्टिक, सेप्टिक नहीं हुआ, स्केप्टिक, स्केप्टिकल,
स्केप्टिकल नहीं होता, स्केप्टिकल्स। ये देखो ये आ गया, ये अ पर्सन हु यूजुअली डाउट्स इन क्लेम्स स्टेटमेंट आर ट्रू स्पेशली दोज दैट अदर पीपल बिलीव इन। आई एम अ बॉर्न स्केप्टिक। कहाँ चला गया? अच्छा जी, इन द कल्मिनेशन ऑफ द अबाउट डिस्कशन ऑफ इन ईज टू बी इन ईज टू बी इन एग्रीमेंट इन विद, नहीं आएगा, आई फील एंड ईज टू बी इन एग्रीमेंट, ठीक है ना? तो बात ये फरहान, आपका भी माशाल्लाह काफी इंप्रूवमेंट आई है जी। रक्षंदा, रक्षंदा आर यू देयर? रक्षंदा यस सर, यस सर। ठीक है ठीक है, एक जल शानदार और हाफिज साहब का रह गया आंसर। चलें जी देखते हैं। मरियम ने नहीं लिखा, अजीम आपने भी कुछ नहीं लिखा आज। नहीं सर, वो आंसर बिजी थे हम दोनों, काम था। थोड़ा सा चेंज कर दूं फरखंदा और रक्षंदा। जी सर, जी। दूसरा जो पार्ट था ना, उसको सारे को चेंज करना था, वो सही नहीं था। क्या कहना चाह रही हो जो बताओ मुझे, दूसरा दूसरे पार्ट में मैं उसको सही कर देता हूँ। बोलो रक्षंदा। एक तो हम ये कह रहे हैं ना कि लोगों के डिफरेंट सर व्यूज हैं रिगार्डिंग लर्निंग ऑफ यंग्स वन की तालीम के बारे में, इन पर्टिकुलर जब उन्हें बताया जाए कि डिफरेंस क्या है। उसके अलावा दूसरी पार्ट क्या है?
सर दूसरा मैं यही कहना चाह रही थी कि अगर इन्वायरमेंट अच्छा रखा जाए तो ये बात। अच्छा जी, हाउ आर सम अदर्स फोकस मोर ऑन द एनवायरमेंट? Where children Although every parent want to train their children on better and moral grounds, being truthful, honest, hard workers and well organized, yet it requires a lot of efforts on daily basis to be parents is a ये क्या लिख रही हो? टू बी पेरेंट्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट सर नीग्लिज ह्यूज लिखना था, ह्यूज ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। टू बी पेरेंट्स ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज अ ह्यूज जी अच्छा, हेलो या ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बीइंग अ पेरेंट is a great responsibility that needs to be vigilant about routines, habits, and mindset. अच्छा, क्या करना चाहिए ये इस यानी कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा क्यों करना चाहिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने उस पे फोकस करना है थोड़ा सा ना। अच्छा, ये जो अलॉट ऑफ का वर्ड है ना, इससे भी आपने अवॉइड करना है और किड्स से भी अवॉइड करना है। ओके और रिपीटिशन भी नहीं करनी है आपने ना, एक दफ़ा जो वर्ड लिखा कोशिश करें ज़रा डिफरेंट वे में, ऑन देयर माइंड कर लेना या इस तरह कुछ थोड़ा सा। देखे ना किड्स आपने कितनी दफ़ा लिखा, ऊपर भी लिखा है नीचे भी लिखा, ये सारे किड्स 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 वैसे भी एक इनफॉर्मल वर्ड है। ओके सर। ठीक है यार, वो उसको सरफजान भाई ने हमें बुला लो। ठीक है रक्षंदा, फॉर द टाइम सर आज ऐसे में ना मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की कोशिश की है जो कि मेरे पिछले एसेज में नहीं था। अभी तो ज़रा थोड़ा सा हमारा लंबा सफ़र है,
बस आप काम करती जाएं, इंशाल्लाह 2 2.5 माह मुझे लगते हैं कि इसमें लगेंगे अभी ना, फाइनल शेप अप होते होते। ओके सर, थैंक यू। हाफिज साहब इसको चेंज करें, डूज एंड डोंट्स। ठीक है सर। अगर आपका जो पर्सपेक्टिव है ना, इन माय पर्सपेक्टिव, वो है ही पर्सनल, तो पर्सनल का वर्ड लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये 2 मिनट ठहरो, मैं आ रहा हूँ बाहर। क्यूट एनवायरनमेंट, इसको भी दोबारा कंसिडर करो। सर इट्स समथिंग लाइक दैट, मुनासिब या मतलब अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट, हाँ मैं समझ गया हूँ, लेकिन अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट ही लिख दो। ठीक है। यहाँ पे लिखो दे, यहाँ पे दे का वर्ड डालो, कैन से सर ये पहले। क्लोजिंग डिटेल है इसके अंदर जो है ना, टू नहीं, क्लोजिंग डिटेल मेक इट का मोर मैं, क्लियर। इफ चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड सच एनवायरनमेंट दे कैन इजली, जी वो तो जी जो भी हो ठीक है सर, ना। ठीक है सर। अब एक जगह आपने कॉलन लगा दिया ना ऊपर ये वाला, अब जी दोबारा सर, इसको प्रैक्टिस ना करो पूरे क्वेश्चन के अंदर, खत्म करो उसको। ठीक है, ठीक है सर। आइडियाज ऑफ, ये क्या कर रहे हो? पिवोटल रोल ऑफ पेरेंट्स कैन ओनली बी फुलफिल्ड इफ दे कीप द आइडियाज ऑफ, कॉमन नहीं आएगा ना यार, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिव सर वो एनवायरनमेंट ना, प्रॉपर वे क्लोज टू देयर चेस्ट, कोई जरूरत नहीं है कॉमा लगाने की, बस इसको वैसे सीधे ही जाने दो सारा। ठीक है सर। आदम जी, फिदान साहब,